आप जिस फोन पे ये वीडियो देख रहे हैं वो कितना स्मार्ट है? अरे छोड़ो, आप कितने स्मार्ट हो ये बताओ। अरे ये भी छोड़ो, आप ये बताओ आपके घर में जो बिजली का मीटर लगा है वो कितना स्मार्ट है। तो अभी काफ़ी लोग सोच रहे होंगे जो ग्रामीण एरिया से होंगे, हालांकि जो शहरी एरियाज में रहते होंगे उनको पता होगा कि स्मार्ट मीटर क्या है। वो प्रीपेड सर्विसेज भी यूज करते होंगे स्मार्ट मीटर की, क्योंकि जो भी अपार्टमेंट में रहते हैं वहाँ क्या सीन होता है कि आपने अगर अपना वॉलेट रिचार्ज करके रखा है, आपने 500 रुपये अपने बिजली के कनेक्शन में दिए, तो आप जब 500 की बिजली यूज़ कर लेंगे तो आपका कनेक्शन कट जाएगा। ऐसा होता है शहरी एरिया में, लेकिन ऐसी ही चीज़ें अब वर्क कर रही हैं ग्रामीण एरिया में भी। मैं आपको बता दूँ, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और यहाँ पे ग्रामीण एरिया में भी स्मार्ट मीटर्स लगाए गए हैं। और स्मार्ट मीटर्स में होता क्या है कि आपके एक सर्टेन अमाउंट के बाद आपका जो है कनेक्शन काट दिया जाता है। हालांकि बिजली आपके मीटर तक आएगी लेकिन उसके बाद आपको नहीं दी जाएगी। तो यही सेम केस मेरे साथ भी हुआ। हालांकि स्मार्ट मीटर मेरे घर में जो है अभी कुछ ही दिनों पहले लगा, उसके पहले एक नॉर्मल मीटर लगा हुआ करता था जिसके बारे में ऐसा कुछ नहीं था कि कनेक्शन कट जाता है। लेकिन अभी पिछले महीने मेरे साथ क्या हुआ कि हम लोग ने जो है बिजली का बिल नहीं दिया था, बिजली का बिल हो गया था 4200 रुपये समथिंग, यानी 4200 रुपये हो गया था। तो उसके बाद कंपनी ने हमारी बिजली काट दी और हमको पता ही नहीं चला कि बिजली कट भी गई है। तो उसके बाद पता चला कि हमारा जो मीटर है वो स्मार्ट मीटर है। और स्मार्ट मीटर में क्या होता है कि एक सर्टेन रीडिंग के बाद आपका कनेक्शन कट दिया जाता है, उसके बाद आपको पेमेंट करना है और आप जैसे ही पेमेंट करते हैं आपसे 1 मिनट के अंदर अंदर आपका कनेक्शन चालू कर दिया जाता है। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है, मैंने बिल्कुल ऑब्जर्व की है। जैसे ही मैंने इनकी वेबसाइट पे जो है अमाउंट भरा और जैसे ही बिजली बिल पे किया, उसके 20 से 25 सेकंड बाद तुरंत से बिजली जोड़ दी गई। तो अभी हम आपको बता देते हैं कि स्मार्ट मीटर वर्क कैसे करता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसा नॉर्मल मीटर होता था मीटर बिल्कुल वैसे ही होता है, लेकिन इसमें एक एडवांस चीज़ लगा दी जाती है। इसमें आपको मिलेगा एक मॉड्यूलर मिलेगा जिसमें आपको एक सिम लगी हुई होती है और एक कनेक्टिविटी होती है इसकी इंटरनेट से। तो यानी वहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं आपके मीटर के अंदर। वो वहाँ से बैठे बैठे ऑफिस में देख सकते हैं कितनी रीडिंग हो गई है, कितने पे आपका मीटर कट करना है, कितना लोड आप ले रहे हैं, कितनी बिजली रोजाना आप खर्चा कर रहे हैं, ये सब चीज़ वो देख सकते हैं। इसी वजह से इसका नाम स्मार्ट मीटर है। तो अगर आपके घर भी स्मार्ट मीटर लगा है तो आप ये बताइए, काफ़ी लोग के मन में डाउट है कि स्मार्ट मीटर जो है बिजली बहुत खाता है, तो क्या ये सही है? अगर सही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगर गलत है तब भी कमेंट करिए। तो भी मेरे साथ सीन क्या हुआ था कि बिजली मेरी कट गई थी, तो मैंने जैसे ही जमा किया उसके बाद चालू हो गई। तो ये सारी चीज़ें वर्क कैसे करती हैं? तो भाई ये वर्क करती हैं एक सिम के ऊपर, एक इंटरनेट के ऊपर। जैसे आपके डिवाइस में कोई भी सिम लगा होगा, जियो का लगा होगा, एयरटेल का लगा होगा या वोडाफोन का लगा होगा, तो ऐसे भी उसमें एक सिम लगी होती है पर्टिकुलर किसी ऑपरेटर की जिसपे कोई भी नेम प्रिंट नहीं रहा होता है। तो वो कनेक्टिविटी बनाता है उसके सर्वर से और सारा डेटा यहाँ से भेजता है वहाँ। जब वहाँ पे बैठे ऑफलाइन में जो बंदे होते हैं जो वो वेरीफाई करते हैं कि किसका कितना बकाया बिल है, और जिसका ज़्यादा हो जाता है उसका सिंपली वहाँ से काट दिया जाता है। जैसे कि आपका सीन होता है DTH में, अगर आप भी टाटा स्काई लगवाए होंगे या एयरटेल का डिश लगवाए होंगे, तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे ही रिचार्ज करवाएंगे और आपका कटना जिस दिन होगा उस दिन सडनली कट जाता है, कभी 10 बजे 11 बजे 12 बजे ऐसे कट जाता है। तो ऐसा सीन इसमें भी होता है कि बिल्कुल DTH वाला सीन है। तो DTH में ऐसा सीन होता है कि जैसे आपका अमाउंट खत्म होता है वैसे कनेक्शन कट जाता है, लेकिन इस स्मार्ट मीटर में ये सीन है कि जैसे आप एक लिमिट क्रॉस करते हैं, यानी 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार, कहीं कहीं ज़्यादा भी है, किसी किसी एरियाज में 10 हज़ार के ऊपर अगर आपका बिल होगा तब कटेगा, लेकिन मेरे एरिया में 4 हज़ार के ऊपर अगर आपका बिल होता है तो कट जाता है। तो ऐसा सीन है, जैसे आप 4000 की बिजली यूज़ कर लेंगे, वो कितने भी यूनिट हो और आप 1 महीने में यूज़ करिए 4000 की बिजली, 10 दिन में यूज़ करिए या पूरे 2 साल में करिए, जैसे ही आप 4000 के ऊपर जाते हैं वैसे ही आपका कनेक्शन कट जाता है। और जैसे कनेक्शन कट जाता है फिर आपको करनी है पेमेंट। जैसे आप सक्सेसफुल तरीके से अपनी पेमेंट कर देते हैं तुरंत से आपकी बिजली जो है चालू कर दी जाती है। तो ये रहा स्मार्ट मीटर का कॉन्सेप्ट। तो बिल्कुल मीटर भी आपके स्मार्ट हो गए हैं, आपसे भी ज़्यादा आपका स्मार्ट मीटर स्मार्ट है, आपसे भी ज़्यादा आपका स्मार्टफोन स्मार्ट है। तो अगर आप भी स्मार्ट हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा सिंपली से दबा लीजिए, बेल आइकन आ रहा होगा उसको भी दबा लीजिएगा, तभी तो आप कहलाएंगे स्मार्ट। तो अगर आप भी स्मार्ट होंगे तो अभी तक दबा लिया होगा सब्सक्राइब बटन, अभी भी नहीं दबाया तो फिर से बोल रहा हूँ भाई सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना, वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।